आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रेडियस, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस एग्जैक्टली है क्या चीज। तो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस की बात करें तो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस जो है हाइड्रोजन का होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन होता है। अब वो क्या होता है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसका मास जो है अप्रोक्सीमेटली 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे मैंने मास जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में लिखा, बट उसका जो ग्राम्स, मिलीग्राम्स या केजी इस तरह में रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये जो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है या प्रोटोन है वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और एग्जैक्टली अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज के, और उसका जो स्पिन है 1/2 रहता है और वो एक फर्मियॉन्स होता है। फर्मियॉन दैट मीन्स कोई भी दो प्रोटोन जो है सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सिंपलेस्ट न्यूक्लियस जो आता है वो न्यूट्रॉन होता है, वो एक बाउंड स्टेट है किसी भी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। अभी जो न्यूट्रॉन है जैसे कि प्रोटॉन में होता है उसका भी स्पिन हाफ होता है और वो फर्मियॉन होता है, उसका भी कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है और स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन होता है। कितना, 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा हेवियर होता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम की तरह होता है, और अप्रोक्सीमेटली 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। और जो फोटोन है इस एनर्जी का वो क्या है, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में आयनाइज भी कर सकता है। उसका अप्रोक्सीमेटली मास है 1875.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो प्रोटॉन का जो मास है वो 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, न्यूट्रॉन का 939.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पूरा का पूरा मिला के एंड उन सब में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस अगर देखा जाए तो इन ऑल टोटल मास जो है 1877.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दैट इज कि न्यूट्रॉन से 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होता है इसका मास। तो हम बोल सकते हैं जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन साथ में आते हैं तो एक न्यूट्रॉन बनाता है, और वो मिला के जितनी भी एनर्जी बनती है जो कि हम लोगों ने पीछे देखा उसमें से 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कम होती है। वो कैसे करते हैं, वो एक फोटोन इमिट कर देते हैं जिसको हम लोग गामा रेडिएशन बोलते हैं, इस एनर्जी की 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गामा रेडिएशन इमिट कर देते हैं और एक क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों के दोनों फर्मियंस होते हैं, दोनों के दोनों एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑबे करते हैं, दैट इज कि दो प्रोटॉन विद स्पिन अप जो है दोनों सेम स्टेट पे नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट साइन जो है अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है कैन ऑक्यूपाई द सेम स्पॉट एट द सेम टाइम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स रेफर करते हैं, न्यूक्लियस। अभी हम लोगों ने देखा तो सबसे बेसिक न्यूक्लियस हाइड्रोजन का होता है जिसमें कि एक प्रोटॉन होता है, अब प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी भी एक न्यूक्लियस में कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, दीज आर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, जहां पर अभी हम लोगों ने देखा न्यूक्लियॉन्स जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो गया ए, अब उसमें एक जेड है, जेड इज प्रोटॉन और एन क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो एटम की होती है वो सारे के सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो हमेशा इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं जेड को। अब न्यूक्लियाई जो है, अब कई न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, और इसका जो ग्रीक मीनिंग जो होता है दैट इज सेम प्लेस। क्यों, क्योंकि वो लोग सेम प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, आइसोटोप्स जो होते हैं सारे के सारे। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद इन अ शॉर्ट रेंज, बट उनके बीच में जो फोर्सेज जो होती है वो स्ट्रांग फोर्सेज होती है जिनको हम लोग न्यूक्लियर
फोर्स बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फोर्स है वो डोमिनेट करती है सबसे ज्यादा। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो मेनली इंटरमीडिएट, दैट मीन्स उनके आजू बाजू जो भी नेबर्स होते हैं उनकी वजह से या उनकी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही होती है। अब वो एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, जैसे कि पोटेंशियल वेल में अट्रैक्टिव फोर्स होता है एक इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन के पास। अब न्यूक्लियर के टर्म्स में अगर बात करें कि वो क्या करते हैं, लोएस्ट अवेलेबल क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एक एटम में ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि हीलियम की बात करें तो इसमें 2p प्लस 2n, दैट मींस एक अल्फा पार्टिकल जो है इज टाइटली बाउंड फोर न्यूक्लियॉन्स, चार न्यूक्लियॉन्स होते हैं, एक स्पिन अप होता है, एक स्पिन डाउन, एक स्पिन अप न्यूट्रॉन और एक स्पिन डाउन न्यूट्रॉन। दैट मींस दो प्रोटॉन, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, और दो न्यूट्रॉन, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, वो सारे के सारे लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी एक पोटेंशियल वेल में। अब लार्जर न्यूक्लियर की अगर बात करें, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, वो एक्चुअली थोड़े से ज्यादा बाउंड होते हैं हीलियम के कंपैरिजन में, और उनकी जो एनर्जी जो होती है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है पर न्यूक्लियर, और हीलियम की 7.5 होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हर एक न्यूक्लियॉन है वो उसके क्लोज पार्टनर के साथ अट्रैक्टेड होता है। तो बोल सकते हैं देर आर मोर नंबर ऑफ क्लोज पार्टिकल्स, दैट मीन्स देर इज मोर अट्रैक्टिव फोर्स एंड देर इज मोर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब ये भी बोला जाता है कि जो हायर न्यूक्लियर होते हैं वो स्ट्रांगली रिजेंबल करते हैं बाउंड स्टेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की, और इसलिए क्योंकि टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है, जो कि पर न्यूक्लियॉन्स में एक्सप्रेस की जाती है किसी भी एक न्यूक्लियंस की, उसको इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि न्यूट्रॉन में हम लोगों ने फाइंड की थी ऊपर स्टार्टिंग में, और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ मासेस ऑफ सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को अगर ऐड करें तो एक एक्स्ट्रा मास बन जाता है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमको। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियर मास आता है, कि मास ऑफ ए सिंगल एटम जो है एक न्यूक्लियस या एक एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करें, एटम न्यूक्लियस या एलिमेंट्री, उनका मास बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। अगर उनको कन्वेंशनल यूनिट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव पावर्स ऑफ 10 में, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला काम हो जाता है। इसीलिए एक सेपरेट यूनिट यूज की जाती है न्यूक्लियर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट, एंड शॉर्ट फॉर्म में उसको AMU भी बोलते हैं। तो और ये जो एटॉमिक मास यूनिट है वो एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उनके मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। न्यूक्लियर मास मतलब कि मास या वेट ऑफ द न्यूक्लियस अलोन, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का मास आता है। एटॉमिक मास यूनिट जो है इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, 6 एटॉमिक नंबर एंड 12 इज एटॉमिक मास। तो बोल सकते हैं 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, दैट मींस 1/12 ऑफ 12 kg डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10^26, दैट इज 1.66 इंटू 10^-27 kg। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू 1.66 इंटू 10^-27 kg। अगर हम यूरेनियम न्यूक्लियस की बात करें, यूरेनियम 238, उसका मास जो होता है 238 AMU। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेग्लेजिबल स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो मास ऑफ करस्पॉन्डिंग एटम भी लिया जाता है। तो बोल सकते हैं मास ऑफ यूरेनियम एटम इज 238 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एंड जो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहा जाता है आज की डेट में, और उसको हम लोग लेटर यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर यू से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर रेडियस। अगर न्यूक्लियस रेडियस की बात करें तो वो मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल अल्फा पार्टिकल की वहां से मेजर करते हैं जब वो टारगेट न्यूक्लियर को अप्रोच करते हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसको अज्यूम करते हैं हम लोग वो स्फेरिकल शेप में होता है, और वो सेमी एम्पेरिकल रिलेशन ऑफ रेडियस को फॉलो करता है, दैट इज आर इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3, जो कि हम लोग सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला में देख चुके हैं, जहां पर आर नॉट क्या है, एक एवरेज वैल्यू है जिसकी
वैल्यूज होती है 1.4 × 10⁻¹⁵ मीटर्स होती है, और बोल सकते हैं कि यूरेनियम न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 1.4 × 10⁻¹⁵ मीटर इंटू 238⁻³⁰, विच इज इक्वल टू 8.68 × 10⁻¹⁵ मीटर्स, ये रेडियस ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस होता है। आगे बढ़े न्यूक्लियर डेंसिटी। अब न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है, इट इज द नंबर पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर डेंसिटी निकालना एक बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला काम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियाई हैं अप्रोक्सीमेटली सेम डेंसिटी की हो जाती है एंड बहुत स्मॉलेस्ट लेवल का होता है। तो जो डेंसिटी है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 4/3। हम लोगों ने स्फेरिकल अज्यूम किया है क्योंकि वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल mp मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इनकी, इट इज 1.673 × 10⁻²⁷ kg डिवाइडेड बाय 11.5 × 10⁻⁵ पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ने ले लिया। तो इस पूरे को कैलकुलेट करें तो हमारे पास रिजल्ट में आता है 1.45 × 10⁻¹⁷ kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी। आगे चलते हैं, आगे है न्यूक्लियर चार्ज। अब बोलते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज कितना होता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब ओवरऑल एटम के ऊपर बोले तो चार्ज न्यूट्रल होता है, तो बोल सकते हैं चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर जेड। तो बोल सकते हैं यूरेनियम जो है 92 यूनिट्स ऑफ चार्ज कैरी करता है। न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट की अगर बात करें तो अल्फा रे और गामा रे स्पेक्ट्रा की स्टडीज ने यह दिखाया है कि हर एक न्यूक्लियस जो है वो सेट ऑफ क्वांटम स्टेट्स पोजेस करता है, हर एक उसके पास क्वांटम स्टेट्स होती है, और इन क्वांटम स्टेट्स के बीच में जो ट्रांजिशन है वो गामा रेस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट इज स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दैट मीन्स बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व किया जाता है, और उससे हमको ये देखने को मिलता है कि जो न्यूक्लियस है उसके पास स्पिन मोशन होता है, दैट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस में स्पिन करता है। तो ये कंक्लूड किया गया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूस मोशन में होता है और उनकी जो ऑर्बिट्स हैं वो डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होती हैं। अब इस मोशन की वजह से न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है एंड एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई है वो दिया गया है म्यू एल, एल स्टैंड्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम, इट इज इक्वल टू जी एच अपॉन 2π एंड मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कई बार ई एच क्रॉस अपॉन 2m भी लिख सकते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है न्यूक्लियस की, इट इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि देयर इज समथिंग डिफेक्ट इन द मास। अब मास में किस तरह से डिफेक्ट आता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब टोटल मास मतलब इट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड ऑल द न्यूट्रॉन्स। अब जब हम इन सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो उनका सम एंड ओवरऑल एक न्यूक्लियस का सम दोनों में डिफरेंस आता है। ये जो डिफरेंस है इन द मासेस इट इज नोन एज मास डिफेक्ट, और ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एम। तो ये था हमारा न्यूक्लियर रेडियस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूक्लियस।